बाबा पूछा तो फेवरेट ट्रैक्टर अपना। भाई मेरा फेवरेट ट्रैक्टर ऐसे कोई स्पेशल नहीं है, तीन चार ट्रैक्टर जो मुझे काफी पसंद है। वैसे तो सभी ट्रैक्टर पसंद है, मैं किसी ट्रैक्टर को माड़ा नहीं बोलता कि ये खराब है या ये इसमें कोई। आपके पास अगर खुले पैसे हैं आप ठीक करवा सकते हो तो और वही कहते हैं ना ड्रम में नुकसान होता ही है, ड्रम में नुकसान होता है। अगर आप ये सोचते हो ना आपके दिमाग में है कि नहीं अगर नुकसान हो गया यार मेरे पास पैसे नहीं है तो तभी होता है। हाँ उस ड्रम में जो नुकसान हो ही होगा, तो इससे अच्छा है कि आप मत करो जब तक आपका बिल्कुल परफेक्ट टाइम नहीं, मतलब नहीं बैठ जाता कि हाँ अभी मुझे कोई इसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो तब तक आप जो है इन चीजों से मैं कहूँगा दूर रहो। तो आजकल जैसे काफी यूट्यूबर हो गए ट्रैक्टर लाइन में, मैंने देखा है कि लगभग उनको नॉलेज नहीं है इतनी किसी चीज के बारे में, मतलब ऐसा ही कुछ भी डाल के बना देते हैं लेकिन किसी चीज की जो है अंदरूनी उनको नॉलेज नहीं कि चीजें क्या नुकसान हो सकता है क्या नहीं। किसान भाई जो आपको देखते हैं उनको कमेंट आते हैं कि रोहित देसवाल के भाई के पास जाओ, उनके पास ट्रैक्टर लेके जाओ, तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई बोलते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ कमेंट तो काफी भाई बोलते हैं, लेकिन मेरा मन है जाने का और मैं जाऊं भी का, लेकिन थोड़ा सा भी सिचुएशन नहीं बन रही है क्योंकि देखो यार एक तो मेरे से काफी दूर है, दूर लगभग 90 किलोमीटर जो है मेरे से दूर, 80-90 किलोमीटर। वीडियो आएगी अपनी बात देख। अभी देखो शुरुआत में तो यही मैं सोचता हूँ कि रेगुलरिटी बनी रहे, कोई नॉलेज की वीडियो भी मैं बीच बीच में डाल रहा हूँ कि मतलब किसी इम्प्लीमेंट के बारे में बताना या ट्रैक्टर की कोई चीज बताना, और जैसे साथ साथ में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन या इस टाइप की भी जो है हल्की फुल्की, मतलब किसी भी तरीके की जो है वीडियो मेरे दिमाग में आती है तो मैं सोचता हूँ इसको बना के डाल दे। मेरे सारे किसान भाई आना है, तो किसान भाई स्वागत है अपने एक और नई वीडियो में। तो वीडियो जो अपनी बहुत खास होने वाली आज, तो वीडियो में अपने दिख रहे कि अपने विक्रम भाई का जो इंटरव्यू लेने आए अपन थुआ गाँव में। विक्रम भाई ने आप जानते हो कि सारे बहुत सारे जो है बहुत साल से जो है विक्रम भाई यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, बहुत पुराने हैं, जो स्टंट भी किए हैं टोचन भी किए हैं, और वो अपने किसानों को बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई है उन्होंने, जैसे टोचन करने चाहिए नहीं करने चाहिए, स्टंट करने चाहिए नहीं करने चाहिए। भाई ने बहुत सारे टोचन मुकाबले खेले हैं और जो अपने ट्रैक्टर जो बढ़िया से बढ़िया तैयार रखे भाई ने, जो पूरा जब तक किसानों को पता नहीं था तो भी इन्होंने जो अपने ट्रैक्टर पर टर्बो टिकवा दी थी, बहुत पुरानी टर्बो टिकवाई हुई है, बहुत पुराने जो है इन्होंने स्टंट भी किए हैं और टोचन भी लगाए हैं। तो आज भाई से पूछेंगे इन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी और भाई की जो है इस लाइफ में बहुत सारे उचाओ निचाओ जो आए हैं, कभी इनके साथ बहुत जो है आपने देखा है कि स्टिकर स्टाकर उतारे थे, तो बहुत सारे जो उचाओ निचाओ आए हैं। यूट्यूब चैनल पर भी भाई की बात करा तो कई बार बंद भी हो गया था, बहुत जो है मेहनत करी है भाई ने। तो आज भाई से पूछा है आप भाई ने कहाँ से शुरुआत करी थी और कहाँ तक आज जो है पहुँच गए हैं। तो राम राम भाई जी। राम राम भाई साहब। तो भाई अपने जो किसान आपसे जानना चाह रहे हैं अपना गाँव का नाम पता बता दो एक बार। भाई अपना गाँव थुआ है, हाँ डिस्ट्रिक्ट जींद है। हाँ जी। तो भाई अपना छात्र ड्योला रही है किठाना गुआंडा अपने। अच्छा भाई, तो भाई अपने पास ट्रैक्टर कौन से है? अपने पास फार्म ट्रैक है भाई दोनों। हाँ कितने कितने मॉडल ट्रैक्टर है ये? U10 मॉडल है और U19 मॉडल है। 19 मॉडल है। हाँ टर्बो कौन से पे रखवाई आपने? इसमें 19 मॉडल पे। 19 मॉडल में। हाँ कब रखवाई है टर्बो आपने? या भाई ये लगभग 2020 में रखवाई थी। 2020 में आप टोचन की शुरुआत करी थी या फिर वैसे ही खेती के लिए? नहीं वैसे ही रखवाई थी, थोड़ा पावर ज्यादा चाहिए थी। अच्छा। तो उस हिसाब से रखवाई दी थी। अच्छा वैसे ही अपनी खेती के लिए रखवाई थी। हाँ खेती के लिए रखवाई दी थी। और टोचन कब स्टार्ट किए थे आपने? टोचन तो वैसे तो 19 में कर दिए थे, ऐसे हल्के फुल्के जैसे गाँव में किसी दूसरा गाँव अगला जोड़ लिया अपने आस पास के गाँव कोई गाँव का, तो 2019-20 शुरू कर दिए थे ऐसे। और आज तक आपने टोचन मुकाबले कितने खेले होंगे? मैंने भाई 12-13 मुकाबले खेल लिए होंगे। 12-13 मुकाबले। हाँ अपनी पोजीशन आई है कोई? अपनी भाई एक फोर्थ पोजीशन थी और एक थर्ड पोजीशन थी। हाँ तो भाई ने टोचन कमी लगाए मेले क्योंकि आप समझ सकते हो कि उस तो खेती बाड़ी का काम इतना ज्यादा है, रिपर का भी है सुपर सीडर का भी है और कोई अपने और घर की बात हो जाती है, घर के जो है मानते हैं नहीं मानते, तो अपना अब आपने क्यों छोड़ दिया अपना टोचन इंस्टेंट? भाई ये बहुत महंगा गेम है जो टोचन वाला गेम है ना। हाँ। ये बहुत महंगा है, इसमें जो है खर्चा बहुत ज्यादा लगता है। हाँ ये तो भाई मतलब बहुत ज्यादा आमदनी इतनी है नहीं, बस ये देख शौक है तो शौक पैसे थोड़ा ज्यादा चाहिए टोचन। हाँ। खेलने के लिए और स्टंट की रही बात, स्टंट भाई थोड़ा रिस्की है, पीछे नीशु देसवाल के साथ भी जो हादसा हुआ। हाँ। उसके बाद से तो मतलब इन चीजों से स्टंट से काफी मतलब रिस्की चीज है, तो वो तो इस वजह से नहीं करते। तो कई भाई कह देते हैं कि हमने एक दिन स्टंट लगाए थे, बहुत बढ़िया स्टंट लगाए थे आपने, तो उनके बाद आप क्या कहना चाहोगे अपने किसानों को स्टंट के बारे में? देखो स्टंट का पता है क्या बात है भाई, मैं तो नहीं कहूँ अगर आपका काम चल रहा है तो कुछ ज़्यादा ही जरूरत नहीं है स्टंट वगैरह करने की। हाँ क्योंकि मान लो देखो अगर किसी का बहुत तकड़ा बैक है भाई पैसे की उस तरह या बहुत मतलब है। हाँ। तो उसका पता है क्या है, वो मतलब कुछ टूट फूट हो गई स्टंट करते हैं तो ठीक करा सकता है। हाँ।
अगर मान लो कोई नॉर्मल घर का लड़का है, ठीक है, अपना गुजारा हो रहा है उसका, अगर वो स्टंट करता है कुछ बड़ा नुकसान हो जाता है तो उसे करवाया नहीं जाएगा, उसके ऊपर काफी ज्यादा लोड आ जाएगा। अगर खुला पैसा तो आदमी करवा लेता है, टूल करा लेगा, कुछ भी 50-70 हज़ार जो भी लगेंगे उसके ऊपर, लेकिन अगर कोई बेचारा काम चला तो वो कहाँ से लगाएगा इतने रुपये। तो ये इसलिए मैं तो कहूँगा कि ये नहीं करना चाहिए, इसमें जो है टूट फूट के ज़्यादा चांस रहते हैं, और जान का जो सबसे बड़ी चीज़ है जान, उसका रिस्क रहता है। तो भाई जो आप बात करना स्टंट की, तो स्टंट के लिए एक नॉर्मल ट्रैक्टर भी चल जाता है या कुछ अपने अलग कराना पड़ता है ट्रैक्टर में? नहीं, थोड़ा बहुत अलग करना पड़ता है, ऐसे सिंपल ट्रैक्टर के साथ जो स्टंट नहीं होता है। हाँ। तो कुछ चीज़ों की जो इसमें बदलाव करने पड़ते हैं। और आपने तो फार्म ट्रैक के साथ स्टंट किया था, फार्म ट्रैक तो बहुत भारी ट्रैक्टर होता है, तो आपको कुछ लगता है अलग की एक जॉन डीयर सोनालिका के वजिटा वैसी बात करा दो स्टंट बनाने में, फार्म ट्रैक आपको कैसा लगेगा? देखो पता क्या बात है, जैसे जॉन डीयर हो गया, स्वराज हो गया, ये आगे से हल्के होते हैं, इनकी लेंथ भी कम होती है, तो ये आगे से हल्के होते हैं, इनके साथ जो है स्टंट करना थोड़ा आसान होता है। लेकिन जैसे सोनालिका भी हैवी होता आगे से, सोनालिका फार्म ट्रैक ही थोड़े हैवी होते हैं, लेकिन स्टंट का ऐसा है अगर थोड़ा ट्रैक्टर का ऐसा भी हो तो स्टंट तो उसी के साथ भी हो सकता है, कितना भी हैवी ट्रैक्टर हो उसके साथ हो सकता है, बस उसमें है थोड़ा सा नुकसान की ज़्यादा चांस रहते हैं ज़्यादा हैवी ट्रैक्टर में, और ये थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी और ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, और बाकी स्टंट तो हो जाता है, किसी भी ट्रैक्टर से कर सकते हो आप। अच्छा, और आपका बाबा पूछ सकते हो फेवरेट ट्रैक्टर अपना? भाई मेरा फेवरेट ट्रैक्टर ऐसे कोई स्पेशल नहीं है, 3-4 ट्रैक्टर जो मुझे काफ़ी पसंद है, वैसे तो सभी ट्रैक्टर पसंद है, मैं किसी ट्रैक्टर को माड़ा नहीं बोलता कि ये ख़राब है या ये इसमें कोई कमी है, लेकिन जैसे थोड़ा वो लैंड फार्म ट्रैक, स्वराज अभी अच्छा नहीं लगता मुझे, ये जो नई शो आई है तो ये अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो पुराने शो में स्वराज था तो काफ़ी अच्छा लगता था लुकिंग वाइज में भी, वो लैंड हो गया, फार्म ट्रैक हो गया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे जो नई शो निकाली अपनी? भाई नहीं सो, देखो सबकी अपनी अपनी पसंद है, बहुत सारे किसान भाइयों को ये पसंद भी है, खुश ले भी रहे हैं बहुत सारे, हाँ ले भी रहे हैं, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। पहले वाली सो थी जो, हाँ जो पहले वाली सो थी मेरे हिसाब से वो लुक के मामले अच्छी थी, अच्छी थी, हाँ इसमें थोड़े से फीचर जो से मतलब इंटरनली जो फीचर है वो थोड़े बढ़ा दिए हैं, थोड़ा कहते हैं कि पावर भी बढ़ गई है, टॉर्क वगैरह बढ़ाया, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है लुकिंग मामले में, जो पहले स्वराज आता था वो अच्छा काफी लगता था। तो आप भाई बात करा तो भाई आपने टोजन कैसे स्टार्ट कर दिया, आपने क्या मन में आएगी आपने टोजन करने हैं स्टंट करने हैं? देखिए टोजन तो पता है क्या, जैसे अभी तो थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है, पहले जैसे बच्चे ही थे उस टाइम पे तो बड़ा चाह रहता था ऐसे, मतलब जो अपने ये खेल आते हैं उनके साथ भी ऐसे टोजन से करते, तो इन चीज़ों का चाव सा था, तो फिर कि नहीं अभी ऐसे असली में भी करके देखेंगे, तो थोड़ा ऐसे लालसा ही थी कि चलो ये करके देखते हैं ऐसे करते हैं। तो उससे जो आपने टोचन करने स्टार्ट किए तो अपने घर क्या क्या था जो अपने साथ सपोर्ट थी या कैसे थे? देखो मेरा तो ये मानना है जो अपने हरियाणा के जो लोकल गांव मतलब जो देहाती अपने जो पुराने बुजुर्ग वो इस चीज़ को बहुत ही नफरत भरे नज़रिए से देखते हैं। वो मतलब ऐसा है कि मान लीजिए अभी तो देखो हम तो इसको गेम की उससे देखते हैं, लेकिन जैसे कुछ लोग हैं मेरे आसपास के भी जो मैंने बातें सुनी हैं काफ़ी, कि मान लीजिए हमने जैसे ट्रैक्टर जोड़ दिए तो उसमें क्या होता था कि जैसे वो बोलते थे कि ये तो घर को उजाड़ेंगे, किले बेचेंगे, ऐसा ऐसा मतलब कि भैंस बंद हो गया क्यों घर को उजाड़ रहे हो ऐसे, लेकिन अगर सोच के देखिए तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, आदमी नशे पते भी करता है वो भी तो बहुत नुकसान करते हैं। लेकिन इन तो छोड़ो आप, लेकिन आप क्या कहना चाहोगे टोजन करने के बारे में, जो टोजन क्या आपकी क्या भावना इसके बारे में? देखो भाई मुझे तो बहुत शौक है, मतलब वो कहते हैं ना कि मन बहुत करता है टोजन खेलने का, पर थोड़ा सा भी सिचुएशन नहीं है ऐसी कि लगातार टोचन मिले खेल सकते हैं, लेकिन शौक मुझे इस चीज़ का बहुत है भाई टोचन का, और मैं तो कहता हूँ अगर किसी को शौक है तो पूरा करो, लेकिन शौक पूरा तब करो जब आपके पास आप उसके योग्य हो। मतलब ऐसा नहीं कि घर वालों के साथ लड़ झगड़ के पैसे लेके या जिद करके, वो कहते हैं ना जो सोना कानों काटे उसका कोई फायदा नहीं होता। हाँ तो भाई जो आप बात करा तो आपने बहुत दिनों वीडियो खेड़ी है, तो उसका क्या जो रोल रहा, जो आपने एक महीने के आसपास जो है यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाली, तो आपने एक वीडियो डाली थी कि पूरा जब परफेक्ट हो जाएंगे तो इसका योग्य तो तभी वीडियो डालेंगे, उसके बारे में अपने किसानों को बताओ थोड़ा। तो मैंने जब बोला था कि मतलब अगर ऐसा जब मैं आपके लिए लगभग यूट्यूब पे वीडियो डाल पाऊंगा रेगुलरिटी के साथ तो उसके बाद ही बनाऊंगा, तो उसके बाद से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो डाल रहा हूँ, एक दो दिन का गैप बीच में हो जाता है, लेकिन जो है मैं अभी कोशिश यही चल रही है कि अभी और थोड़ा आगे और थोड़ा बेहतर करेंगे इससे भी, कि लगातार जो है सब्सक्राइबर भाइयों को जो है वीडियो दी जा सके। तो जो है अब आप रेगुलर वीडियो डालने जो पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो किस टाइप पर वीडियो आएगी अपनी आगे?
अभी देखो शुरुआत में तो यही मैं सोचता हूँ कि रेगुलरिटी बनी रहे, कोई नॉलेज की वीडियो भी मैं बीच बीच में डाल रहा हूँ कि मतलब किसी इम्प्लीमेंट के बारे में बताना या ट्रैक्टर की कोई चीज़ बताना और जैसे साथ साथ में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन या इस टाइप की भी जो है हल्की फुल्की मतलब किसी भी तरीके की जो है वीडियो मेरे दिमाग में आती है तो मैं सोचता हूँ इसको बना के डाल देता हूँ। तो अपने सारे किसान भाई जो आपको देखते हैं उनको कमेंट आते हैं कि रोहित देसवाल के भाई के पास जाओ, उनके पास ट्रैक्टर लेके जाओ, तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई बोलते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ कमेंट तो काफ़ी भाई बोलते हैं, लेकिन मेरा मन है जाने का और मैं जाऊँ भी का, लेकिन थोड़ा सा भी सिचुएशन नहीं बन रही है क्योंकि देखो यार एक तो मेरे से काफ़ी दूर है, दूर लगभग 90 किलोमीटर जो है मेरे से दूर, 80-90 किलोमीटर और जो है मेरे पास कार भी नहीं है। मान लीजिए कार में तो चलो आदमी लंबा सफर काट भी लेता है, तो मैं तो यही सोच रहा था कि जब कभी भी नया ट्रैक्टर लूँगा तो फिर जाऊँगा मैं वहाँ पे, ठीक है। तो मेरी ये सोच थी, तो इस वजह से भी थोड़ा सा बाकी मन बहुत करता है कि चलो जाएं पर थोड़ा सिचुएशन सी ऐसी नहीं बनी, बाकी आगे फ्यूचर में ज़रूर जाएंगे। अगर ट्रैक्टर आ गया ना तो काफ़ी दिन जो वहाँ पे लगा के आएंगे। आने वाला ट्रैक्टर कौन सा होगा अपना भाई? अभी देखो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ अभी डिस्कस नहीं किया है? नहीं डिस्कस किया है, पर फिर भी जब आ जाएगा तभी पता लगेगा। तो सही है। तो अपने निशु देसवाल भाई जो दुनिया में नहीं रहे उनका बहुत देखो, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन निशु देसवाल से आप मिले हो, उनकी शादी में भी गए हो, कई बार टोचन में मिले हो, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं अच्छा लड़का था भाई देखो, और इस फील्ड में जो है सबसे आगे था, जो ट्रैक्टर वाली फील्ड है सबसे आगे था, इसमें सबसे आगे था वो, और जो है मतलब मैंने देखा है कि इतनी जान पहचान या इतनी फैन फॉलोइंग सिंगरों की भी इतनी, नहीं होती कुछ इतनी कम उम्र में इतनी फैन फॉलोइंग देखो। बस पता है मुझे लगता है कि भगवान ना ये जो कुछ देता है वो सोच समझ के देता है, कि इतना फेम दिया उसको कि भगवान को पता था इसकी लाइफ थोड़ी है तो इसको चलो इसी उम्र में इतना कुछ दे देते हैं। तो बाकी हुआ जो गलती हुआ, आज भी है ना लोग बहुत उसकी, लगभग जितने लोग ट्रैक्टर के फैन या ट्रैक्टर लवर्स हैं प्रोफाइल पे निशु की फोटो लगाए हुए हैं बहुत ज्यादा फैन उसके नाम से, कितने चैनल हैं उसके नाम से, कितने इंस्टाग्राम पे पेज हैं। हाँ जी, तो भाई जो आप निशु देसवाल के साथ हादसा हुआ था, कई लोग जो उसमें ट्रैक्टर का कसूर निकाल रहे हैं, कई लोग जो उसमें निशु देसवाल का भाई का कसूर निकाल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? देखो भाई वो कसूर था किस्मत का, मैं तो कहता हूँ किस्मत का, उसमें ना ट्रैक्टर कह सकते हैं ना निशु का ना निशु के भाई का, वो तो बस एक मतलब हादसा था, उसको एक्सीडेंट बोल सकते हैं, क्योंकि देखो कोई नया काम था नहीं उसके लिए वो, क्योंकि उसका रूटीन था मतलब कम तो कर दिए थे उसने अभी आगे, कम कर दिए थे, लेकिन फिर भी कोई नॉर्मल बात थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो उस दिन जो थोड़ा सा ट्रैक्टर की भी बस ये है कि जो उसने स्टड होते हैं इसमें स्वराज में वो थोड़ा सा रिस्की कम होता है, अगर लंबे नट दे दिए जाए तो ठीक है, तो फर्क तो है थोड़ा स्वराज की। देखो ये सभी को पता है कि बिल्ड क्वालिटी जो है थोड़ी सी लो ही है, इसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन उसमें जो है किसी का कसूर नहीं कह सकते, वो एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट, तो अपने ट्रैक्टर में अपने क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई है? मैंने इसमें जैसे टायर बदल रखे हैं चारों, अभी तो आइए आपको ट्रैक्टर का रिव्यू करते हैं, थोड़ा ट्रैक्टर के पास चलते हैं। विक्रम भाई ने जो आपने देखे एक दो दिन पहले टायर भी बदलवाए हैं, तो टायरों के बारे में बताइए आपने, जो अपने किसान भाई छोटे रिमो में बड़े टायर डाल लेते हैं तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो छोटे रिमो की ऐसी बात है, टायर आ जाते हैं छोटे रिम में, अगर हम मान लीजिए पिछले की बात करते हैं, हम किसी ट्रैक्टर में अगर W12 का भी रिम है, यानी कि जिस ट्रैक्टर में कंपनी में से 13 के टायर आते हैं उसमें भी 16 के टायर डल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है जो आपके टायर की है ना जो शेप नहीं बनेगी अच्छी, वो आ तो जाएगा उसमें जो है आपकी शेप अच्छी नहीं बनेगी। 16 टायर 14 टायर के बराबर लगेगा, 16 का टायर उसमें 14 के बराबर का ही लगेगा, और वो इतना अच्छा सही भी नहीं लगेगा, लुक अच्छी नहीं बनेगी। और उससे जो अपने करा लेते हैं, उससे अपने ट्रैक्टर इंजन पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं? नहीं देखो इंजन पे तो ऐसा है, मान लीजिए अगर डेली रूटीन किराए पे ट्रैक्टर चलता है कि दिहाड़ी पे चलता है, देखो वो तो अलग बात है, लेकिन जैसे हम आजकल शौकिया तौर पे खेती करें, घर घर के साथ ट्रैक्टर घर घर का काम करते हैं, तो उसमें इसी कोई खास दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अभी इसमें 14 के टायर है, हमने 16 के डाल दिए, तो अगर पहले दूसरे गियर में चलता तो अभी पहले में चला लो, चाल बद गई, बात वहीं पे है। तो आपने कौन से टायर डलवाए इसमें, एक बार टायर बताओ इसमें कौन से? इसमें अलायंस के टायर हैं, रेडियल हैं। और अगले भी अलायंस के, इसमें जो है चारों टायर जो है इसके अलायंस के कर दिया आपने। कितने 16 पिछले 16 के, अगले 11 के। तो कितने पड़ गए अपने टायर ये पिछले जो है 17,000 रुपए के पड़े थे, और अगले जो है 26-27 के आसपास के पड़े थे।
तो अपने ट्रैक्टर में टर्बो कितने नंबर, पहले तो ये बताओ इतने साल हो गए अपने टर्बो रखे को, आज तक कुछ मेंटेनेंस हुई है? नहीं, मेंटेनेंस नहीं हुई, क्योंकि जो जहाँ पे मैंने लगवाई थी वो ठीक रखता है वो लड़का, संदीप नाम उसका जीन से। अच्छा। वो ऐसे मतलब ज़्यादा बूस्ट वाली टर्बो नहीं है ये, जैसे ज़्यादा बूस्ट वाली होती है वो थोड़ा जल्दी खोखला कर देती है इंजन को, तो ये नॉर्मल है, मतलब अपना खेती में बिल्कुल मज़ा देती है, आराम से चलती है, जिसमें ट्रैक्टर में किसी भी प्रकार की आज तक जो है इसमें कोई भी समस्या नहीं आई इसमें। यानी आपने 2019-20 में जो टर्बो रखवा ली थी? हाँ, 20-21 में रखवा ली थी, इसको 3-4 साल के आसपास हो गई। मुझे तो नहीं लगता उस समय अपने आसपास में किसी को पता होगा टर्बो के बारे में, कम ही लोग थे उस टाइम पे जो है, मतलब कंपनी फिटेड तो आगे आ गया, जैसे टर्बो ऐसे नॉन टर्बो वाले में टर्बो लगाने का ये कमी था। ये तो लालो की टोटन मेला खेलता था कोई पुराना होगा, पुराने तो देखो जो मतलब इस चीज में मॉडिफिकेशन लाइन में है वो तो देखो लगाते, लेकिन जो अपने अभी तो नॉर्मल किसान भी बहुत लगवाने लगे, जो खेती भी करते हैं ना वो भी दूर दूर से आते हैं। और मेरा कहना ये है कि जो अपने सिंपल किसान को इसके बारे में नहीं पता था, तो आपने क्या सोच के लगवाई टर्बो? नहीं, मेरा तो शुरू से इन चीज़ों में इंटरेस्ट था कि पावर बढ़ानी या किसी भी चीज़ को उसके लिमिट से थोड़ा ज़्यादा करना, इन चीज़ों में इंटरेस्ट, तो मैं तो काफ़ी पहले से ही मतलब टर्बो के बारे में जानता था और लगवाने की सोच रहा था। पर उस टाइम पे थोड़े बच्चे थे तो ऐसे घर के भी मतलब सारी बात बच्चों की नहीं मानते, पर थोड़ा सा फिर लगवा ली थी क्योंकि मैं खुद काम धंधा जो उस टाइम पे काफ़ी करने लगा था। अच्छा, तो अब ये ओके बिल्कुल, आपने टर्बो ये टोचन के लिए रखवाई थी या फिर अपने? नहीं, वैसे रखवाई थी, टोचन के लिए नहीं रखवाई, मतलब वैसे खेती में भी काफ़ी ट्रैक्टर चलाने में जो है अच्छा मज़ा आता है। अगर कोई मान लीजिए टर्बो ट्रैक्टर चलाता है तो उसको फिर नॉन टर्बो में जो है स्वाद नहीं आता, उसको मज़ा ही नहीं आएगा बिल्कुल भी। तेल की बात करें, आप इसके टर्बो रखवाने के बाद तेल का फर्क रहता है इसमें जो है, नॉर्मल सी बात है, देखिए कोई चीज़ पावर ज़्यादा लगाएगी तो वो लोड कम लेगा, तो वो ऑटोमेटिक डीजल भी जो है कम ही खाएगा, वो एवरेज ऑटोमेटिक ज़्यादा। हाँ, लेकिन उसके ऐसा नहीं है कि आप खाली ट्रैक्टर की जो स्टार्ट करके छोड़ दोगे एवरेज बढ़ेगी, नहीं, उसमें जो आपका इम्प्लीमेंट भी फिर अच्छा खासा चाहिए। हाँ, जहाँ पे लोड पे चलेगा ट्रैक्टर वहाँ पे एवरेज अच्छी देगा। तो आपने इसके पिछले साल एक और किया था, आपने इसके चक्कर जो है आपने F41 वाले कराए थे, कौन से कराए थे? हाँ, नए मॉडल वाले, नए मॉडल वाले। हाँ, वो कामयाब हो गया अपना? हाँ बिल्कुल, वो काफ़ी असरदार रहा, वो काफ़ी कामयाब वो तरीका, मतलब जितने पैसे लगे नहीं उससे ज़्यादा का जो है फ़ायदा हो सकता है इससे। क्योंकि अभी ये मान लो आप बिल्कुल जो नए मॉडल की जो लेटेस्ट फार्म ट्रैक आता है, ये वही तकनीक हो गई बिल्कुल, वही चक्कर है। हाँ, वही चक्कर हो गए इसके, बस ये टायर साइज का फर्क है हल्के से उससे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें टायर बड़े हैं, टायर बड़े। अगर टायर इसमें 14 के डाल दिए तो बिल्कुल F41 आता है जो इनका नया, उसके बराबर चलेगा। तो आपने ट्रैक्टर टोचन में चलाया, तो टोचन में कैसा चला अपना ट्रैक्टर? देखिए टोचन में इसमें जो एक तो डिफेंसल लॉक नहीं है, तो बिना डिफेंसल वाला ट्रैक्टर जो है टोचन में इतना अच्छा नहीं चलता, डिफेंसल लॉक के बिना ट्रैक्टर। हाँ, क्योंकि डिफेंसल तो चाहिए ही चाहिए है। तो आगे आप टोचन करेंगे नहीं करेंगे? देखो टोचन का मेरा मतलब मन बहुत है मतलब टोचन करने का, पर जैसे मेरे यूपी के यार दोस्त हैं तो उनके पास एक ट्रैक्टर है, तो उसको तैयार करके उनके साथ ऐसे एक आदमी ला लगाने की सोचेंगे, लेकिन ऐसे प्रॉपर खुद का ट्रैक्टर ले गए जो अभी ऐसा सिस्टम नहीं है फिलहाल कोई भी। हाँ, लेकिन शौक जरूर है मुझे, अगर फ्यूचर में कभी हुआ तो मेरी इच्छा पूरी है कि मतलब बढ़िया एक दो ट्रैक्टर स्पेशल टोचन के लिए हों और अपना जो है मेले खेलें और जो उसमें काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी अब तो अपनी वीडियो जो मॉडिफिकेशन के ऊपर आने वाली है। हाँ, अभी तो मॉडिफिकेशन के ऊपर आने वाली है, अब इसका बम्पर लेके आने वाले हैं राम राम से, इसका म्यूजिक सिस्टम, यू पाइप, फाइबर छत्र, तो ये सभी चीज़ें जो है इसके अभी आने वाले टाइम में चेंज करनी है। तो आप इन दोनों ट्रैक्टर की बात कराओ, फार्म ट्रैक सेटअप का, उन दोनों में आपको कौन सा पसंद है ट्रैक्टर? इन दोनों में? इन दोनों में देखो मुझे तो दोनों ही पसंद है, मतलब बस ये है मैं इसको ज़्यादा चलाता हूँ, इसको ज़्यादा चलाता हूँ उसको, तो क्योंकि अभी देखो आजकल जो खेती भी करते हैं इम्प्लीमेंट आ गए हैं, तो वो थोड़ा सादा ट्रैक्टर है, मतलब इसमें जो सिर्फ तेल ब्रेक है, पावर स्टीयरिंग है और पीटीओ के मामले में जो है ये सही है थोड़ा सा, उसमें जो पीटीओ इम्प्लीमेंट है तो उसके पीछे वो जो है नहीं डाल सकते, काफ़ी मतलब तंगी रहती है। तो अब ये टायर आपने इस वाले टायर इसमें डाल दिए? हाँ, इस वाले चारों टायर इसमें डाल दिए। हाँ, तो इसके साथ भी आपने टोचन लगाए, तो इसकी क्या परफॉर्मेंस रही टोचन? नहीं, इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, लेकिन इसमें क्या रहा, इसमें एक तो पावर की कमी रही काफी। हाँ, इसमें टर्बो भी तो? हाँ, इसमें टर्बो नहीं है, पावर की कमी रही इसमें काफी। हाँ? क्योंकि जो पंजाब साइड मेले होते हैं तो वहाँ पे जो है ट्रैक्टर के जो है पावर चाहिए चाहिए होती है वो। हाँ, और एक इसमें जैसे पीछे से पुराना मॉडल है तो जैसे थोड़ा सा ना टूट फूट का जो है इसमें हल्का सा डर रहता है पुराना मॉडल होने की वजह से, एक इसमें ये समस्या रहती है, बाकी वैसे चलता अच्छा है ये, बस मेंटेनेंस का डर रहता है इसका। हाँ, तो अब अपने ट्रैक्टर में क्या क्या मॉडिफिकेशन होने वाली है? अभी इसमें एक बम्पर लगने वाला है। हाँ,
अच्छा इसका जो है यू पाइप चेंज होने वाला है, मतलब फाइबर समेत ही डाउन सीलिंग वगैरह छतरी में जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ ओलैंड वाली फाइबर मुझे मिल जाए। हाँ। और म्यूजिक सिस्टम भी जो है इसका देखेंगे चेंज करेंगे, लगभग ये सामान है जो इसका ये उस पर डाल देंगे। हाँ। पुराने वाले पे, पुराने वाले में। हाँ। तो अपने इसके टायर जो है चेंज करने है, क्या हो रहा अपने से टायर चेंज करे जो? वो जो अपना पुराना ट्रैक्टर था उसके टायर जो है काफी घिस चुके थे। अच्छा, तो फिर उसमें डलवाने तो हमने सोचा नए वाले इसमें डलवा देते हैं। हाँ वो उसमें डलवा देते हैं, इसमें नए डल गए उसमें भी। हाँ वो भी अभी काफी अच्छा हो गया पहले से, तो एक बार उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, खराब हो गई थी। मरगार्ड भी चेंज करा दिए उसके? हाँ उसके मरगार्ड भी चेंज करा दिए। पहले वाले मरगार्ड जो रखवाए थे वो काफी हल्की क्वालिटी के रखवाए थे। अच्छा। लेकिन अब के बार थोड़े हैवी क्वालिटी के मरगार्ड जो रखवा दिए उसपे। और अपने ग्रुप में ट्रैक्टर की बात करा था आप? अपने ग्रुप में 8 के आसपास ट्रैक्टर है, सभी फार्म ट्रैक है। एक स्वराज है, एक स्वराज। हाँ 855 फार्म ट्रैक है। हाँ बाकी सभी फार्म ट्रैक है। तो अब से जो है फार्म ट्रैक के साथ जुड़े हैं भाई, लेकिन आगे देखो कौन सा ट्रैक्टर लेके आते हैं, स्वराज न्यूलैंड या कौन सा भी की बात करा तो अब जल्दी लेके आने वाले हैं। तो भाई जो आपने एक बार स्टंट किए थे। हाँ। तो स्टंट करने में जो आपने फार्म ट्रैक ट्रैक्टर यूज किया था, तो फार्म ट्रैक का कुछ आपने मेंटेनेंस दिखा जो आपने स्टंट करने से? नहीं ऐसी मेंटेनेंस कोई नहीं है, पर ये रिस्क हर एक ट्रैक्टर में रहता है, इसमें कोई भी ट्रैक्टर को जो है नुकसान हो सकता है। मतलब फार्म ट्रैक में मैं ये नहीं कहूँगा कि कहीं से कमजोर है या इस वजह से नहीं। लेकिन ये है वो वही कि आपके पास अगर खुले पैसे हैं आप ठीक करवा सकते हो, तो और वही कहते हैं ना डर में नुकसान होता ही है, डर में नुकसान होता है। अगर आप ये सोचते हो ना आपके दिमाग में है कि नहीं अगर नुकसान हो गया तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो तभी होता है। हाँ उस डर में जो है नुकसान हो ही होगा, तो इससे अच्छा है कि आप मत करो जब तक आपका बिल्कुल परफेक्ट टाइम नहीं, मतलब नहीं बैठ जाता कि हाँ अभी मुझे कोई इसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो तब तक आप जो है इन चीजों से मैं कहूँगा दूर रहो तो अच्छा है। और टायरों के स्टंट में बात करें, टायर कैसे चलेंगे अपने स्टंट में जो टायर अच्छे जो? देखो अगर स्टंट में टायर थोड़ा सा लचक वाला टायर होना चाहिए, जैसे इसका पेट का भी बड़ा होता है। हाँ। पिछले वाले का भी ठीक है। हाँ। तो इसमें क्या होता है ये जो मतलब एकदम से जो फोर्स लगता है नहीं के, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है टायर में, एक तो अपने टायर नहीं मुसेगा सीधा रिम पर दाब आएगी। हाँ अगर टायर नहीं मुड़ेगा तो रिम पे दाब आएगी, स्पैंडल भी टूट सकता है उससे, रिम भी मुस सकता है उससे। लेकिन ये जो है एकदम से जो फोर्स लगेगा नीचे गिरने से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यदि इसमें लचक होगी तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है सारे जो पावर लगती है टकराने से जो है फोर्स पैदा होता है। तो अब आप बात करें अपने यूट्यूब चैनल की, तो भाई आपने यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया था? भाई मेरा यूट्यूब चैनल इससे पहले भी था एक, तो 2015 में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। हाँ। ये शायद 2017 पता नहीं 18 में मैंने दोबारा शुरू किया। फिर पिछले के साथ क्या रहा आपका? पिछले के साथ जैसे वो था क्या नाम है एक पंजाब का था, तो एज भी नहीं थी इतना पता नहीं था उससे, थोड़ा आईडी पासवर्ड जो वो बोला कि मेरी हेल्प कर दो ऐसे ऐसे कर दो, तो मैंने उसको आईडी पासवर्ड दे दिया कि तू खुद ही कर ले, तो वो फ्रॉड था तो उसने चैनल जो है खराब कर दिया मेरा। अच्छा उसने उसके आपके धोखे के? हाँ। तो आपने 2017 में ये नया चैनल बनाया था? हाँ वो चैनल काफी अच्छा चल रहा था उस टाइम पे जो पहले वाला था। उस टाइम पे कंपटीशन नहीं था, अब तो बहुत सारा कंपटीशन, बच्चा फोन उठा के नीशु देशवाल के भी उस टाइम पे जो है 30,000 सब्सक्राइबर थे। हाँ। और मेरे उस टाइम पे जो है 15,000 सब्सक्राइबर थे। हाँ तो यही काफी मेरे से पीछे वाले चैनल जो उस टाइम के बाद काफी आगे चले गए, क्योंकि वो चैनल जाने के बाद कुछ टाइम तक मैंने यार बंद नहीं किया, थोड़ा अलग किस्मत ही मान लो खराब थी या मैंने उस पर विश्वास कर लिया। हाँ। तो जब दोबारा ये शुरू किया तो उस टाइम तक भी काफी कंपटीशन जो है मार्केट में आ गया था YouTube पे, YouTube पे बहुत ज्यादा चलाने लग गए थे। हाँ। तो आपने 2017 में स्टार्ट किया था ये, वही अभी तक चल रहा था। हाँ। हाँ। तो इसका क्या जो आपने इसका क्या चल रहा चैनल का? नहीं ये ठीक चल रहा है, देखो मतलब बस यही है थोड़ा यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि मान लीजिए अगर आपने कुछ टाइम वीडियो नहीं डाली तो आपके चैनल को ऑटोमेटिक ही डाउन कर देता है, आपकी जो है वीडियो को ऊपर नहीं नीचे जाने देता वो। मतलब रेकमेंड नहीं करता वो, आपकी शेयर नहीं करता यूट्यूब आगे, दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसका एल्गोरिदम ही थोड़ा यूट्यूब का ऐसा है। तो अब तो अपनी लगातार वीडियो आएगी? हाँ पूरी कोशिश है अभी मैं मतलब की लगातार वीडियो डालूंगा। तो अब अपने 2,00,000 सब्सक्राइबर होने के पास में ही है। हाँ अभी तो जैसे मैंने कुछ टाइम बंद रखा तो सब्सक्राइबर कुछ डाउन ही आ गए थे। हाँ वैसे तो बहुत ज्यादा बढ़े हैं पहले से। हाँ YT स्टूडियो पे मैंने देखा है कि माइनस में भी गए थे। हाँ तो देखो किसान भाई जो भी आज सवाल जवाब हुए हैं अपने विक्रम भाई के साथ, बाकी और कुछ रहता है तो आप कमेंट में जरूर बता देना, आप दोबारा फिर अपने भाई के साथ बात करने आ जाएंगे, अपने पास में ही है। और भाई जो इतनी बातें अपने किसानों बताई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखो विक्रम भाई बहुत दिल के बहुत साफ भाई है, मैंने सबसे पहले तो अपने चैनल में सभी जो अपने ट्रैक्टर लाइन के जो है भाई हैं तो सभी के इंटरव्यू लेवांगे, तो सबसे पहले विक्रम भाई के पास आया
इनसे मैंने पूछा है कि क्या क्या रहेगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मुझे बहुत सबसे अच्छे लगते हैं। मैं इनकी वीडियो शुरू से ही देखता हूँ, मैंने तो बहुत अभी चैनल स्टार्ट किया लेकिन इनकी वीडियो जो मैं पहले बहुत दिनों से देखता हूँ। तो देखो किसान भाई वीडियो कैसी लगी, ये दोनों ट्रैक्टर विक्रम भाई के पास, हॉर्स का तो टोटन मेले भी लगाएंगे विक्रम भाई और स्टंट भी लगाएंगे, और बाकी भाई को स्टंट किंग जो है अपने भाई कहते हैं कि स्टंट किंग कैसे है, ये स्टंट तो मार लेते हैं, इनके ज्ञान है, ज्ञान के साथ जो है रहते हैं कि क्या है? एक अपना भाई जो स्टंट कर ले है, उनको ये नहीं पता था क्या टूट फूट हो जाएगी, क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन इस भाई ने सारी समझ है, इसके पीछे एक परिवार भी है इसलिए काम नहीं कर रहा, इसके जो अपनी शादी हो रही है भाई, एक लड़की भी है भाई के पास, तो इसके पीछे एक परिवार है, ये भी स्टंट कर ले, स्टंट करने में कुछ दिक्कत नहीं है, कल को ये स्टंट कर ले इनके आगे दौड़ने में दिक्कत आ जाए, ट्रैक्टर टूट जाए, इनको कुछ दिक्कत है, ये तो देखो छोड़ो, इनको भी कुछ दिक्कत आ सकती है। देखो भाई पता है क्या बात है, ऐसा है कि मतलब आजकल जैसे काफी यूट्यूबर हो गए ट्रैक्टर लाइन में, मैंने देखा है कि लगभग उनको नॉलेज नहीं है इतनी किसी चीज के बारे में, मतलब ऐसा ही कुछ भी डाल के बना देते हैं, लेकिन किसी चीज की जो है अंदरूनी उनको नॉलेज नहीं कि चीजें क्या नुकसान हो सकता है क्या नहीं। आप जितने भी यूट्यूबर की बात करा जो ये मॉडिफिकेशन स्टंट टोटन किंग की जो है वीडियो बनाते हैं, एक भी जो अपने किसान को ज्ञान नहीं देगा कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो उनको खुद ही को नहीं पता, खुद ही क्यों नहीं पता, सारे यूट्यूबर देखा है उनको खुद ही को नहीं पता है इस बात में, जो देखो पंजाब के यूट्यूबर जो इतने फेमस नहीं है ज्यादा, लेकिन मैंने देखा कि पंजाब के जो छोटे छोटे आम बंदे उनको काफी नॉलेज है मशीनरी के बारे में, हर एक चीज के बारे में नॉलेज है अपना, जैसे यूपी की साइड मैंने देखा काफी चैनल अभी, तो उनको जो है मशीनरी के बारे में इतनी खास नॉलेज नहीं है, अपने हरियाणा वाले भी वैसे ही मनाते हैं लेकिन उनको ज्ञान नहीं है क्या। तो भाई ने जैसे देखो एक तो होता है अपने शौक के लिए ट्रैक्टर लेना, लेकिन ये शुरू से तो आए हैं खेती बाड़ी के संबंधित, जैसे खेती बाड़ी करते आए हैं, धीरे धीरे इन्होंने शौक लगा ट्रैक्टर का, जो ट्रैक्टर का शौक तो है लेकिन टोचन करना और स्टंट करना तो बाद में है, पहले तो ये खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। देखो पहले से खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, जैसे अब इनका सुपर सीटर चलाएंगे, अपने पिछले जो लोग भी देखे होंगे भाई के सुपर सीटर चलाते हैं, स्ट्रा रिपर भी चलाते हैं, चेन्नई की जो स्ट्रा रिपर है, तो उन चीजों से निकलने के बाद ही ज्ञान आता है कि ट्रैक्टर क्या चीज है क्या टूट फूट हो सकती है, तो जब भी पता चलता है। एक भाई अपना ट्रैक्टर ले आया, यूट्यूब चैनल खोल लिया, स्टंट मारने स्टार्ट कर दिया, तो उसको ज्ञान नहीं है कि क्या अपने किसानों को क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए। काफी यूट्यूबर है जैसे अभी तो वो पैसे के उस पे ही मतलब चल रहे हैं, पैसे के उनके पास अच्छा पैसा है, कभी टायर बदल दिया कभी कुछ कर दिया, तो क्योंकि ये फील्ड भी देखो थोड़ा है भी यार पैसे की, मैं मानता हूँ कि आज के टाइम पे पैसे है तो वो इस पे भी जो है अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो देखो हर फील्ड का अलग अलग है, मैं ट्रैक्टर फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो ट्रैक्टर फील्ड में अगर पैसा है तो आप जो है नाम बना सकते हैं। अभी कई भाई मुझको ही बोल देते हैं कि वहाँ जाओ ऐसा करो थोड़ा अच्छा होगा, तो आप वीडियो क्यों नहीं डालते, लाइक मिलेंगे जानवर, देखो ये किसको अच्छे नहीं लगते, सबको अच्छा लगता है कि मेरे यूट्यूबर व्यूज आए मुझे भी कुछ जो ये सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि सबका ऐसा सिस्टम नहीं होता कि इतने पैसे खर्च सके, नहीं आगे सभी बढ़ना चाहते पीछे कोई नहीं रहना चाहता, नहीं नहीं तो कुछ हो जाती है अपने ज्ञान की जो अपनी अंदर की भावना हो जाती है कि तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, करने तो दो ट्रैक्टर खड़े हैं अभी स्टंट मार लेंगे, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत है तो उनको पता है कि इसमें क्या समस्या आ सकती है, तो इसीलिए स्टंट नहीं मारते, और स्टंट में बहुत सारी दुर्घटना घटने सबसे ज्यादा चांस है स्टंट में, बिल्कुल तो अपना ट्रैक्टर का जो जोर परखना तो हर रूम परखो, वो भी हर रूम काबिल में नहीं, सिंपल ट्रैक्टर जैसे अपना ये ट्रबो हो गया सिंपल है, वो ट्रैक्टर अपना सिंपल है, भाई ने परसों वीडियो भी अपलोड करी थी इसमें सिंपल ट्रैक्टर चला के देखे थे, तो वैसे अपना ट्रैक्टर का जोर देख सकते हैं, वहाँ ये कोई जोर देखना नहीं, टोचन कर लिया टोचन टूट गया किल्ली टूट गई, तो बहुत ज़्यादा जो है अपने जान जाने के जो है जान बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो देखो किसान भाइयों ये थी आज की अपनी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक धन्यवाद।